नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और आज ये जो वीडियो है ये खास गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को ध्यान में रखकर छोटा सा एक वीडियो है। गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काम भी आएगी और आप महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जान भी पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के ठीक सामने लिखा हुआ है, गांधी जी का जन्म मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। इनकी डेथ अगर हम बात करें तो 30 जनवरी 1948 को हुई, 1948। कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ हुई? तो बिरला हाउस या बिरला मंदिर में हुई। आप सभी को पता है कि गांधी जी का एसेसिनेशन, गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, 3 गोलियां मारी गई थी। ये तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन हम गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो गांधी जी अहिंसा के फॉलोवर थे, नॉन वायलेंस को मानते थे। इनकी नज़र में जिसे हम मूवमेंट आंदोलन कहते हैं वो गांधी जी के लिए सत्याग्रह थे, यानी कि सत्य का आग्रह करने वाला, सत्य के राह पर चलने वाला। और गांधी जी का पहला आंदोलन, पहला मूवमेंट, पहला सत्याग्रह जो आया वो आया था साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका कब गए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1893 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, अखबारों की शुरुआत की, जिसमें से एक का नाम था इंडियन ओपिनियन और एक का नाम था फिनिक्स। दोनों ही इंग्लिश या अंग्रेजी में आते थे। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अगर हम बात करें तो 3 संगठनों की भी स्थापना की, नेटल, इंडियन कांग्रेस, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प और टॉलस्टॉय फार्म या टॉलस्टॉय आश्रम। नेटल इंडियन कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो 1894 का है। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प 1899 का है। टॉलस्टॉय फार्म 1910 का है। एक रशियन राइटर थे, रूसी लेखक थे, जिनका नाम था लियो टॉलस्टॉय, और उनसे गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, इन्फ्लुएंस रहे, इसलिए उनके सम्मान में आश्रम की स्थापना की। एक और बात अगर हम बात करें तो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड गवर्नमेंट का बहुत साथ दिया, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने, ब्रिटेन ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। तो याद रखना कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी मिली और इसी केसरे हिंद के टाइटल को, उपाधि को गांधी जी ने NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। गांधी जी की अगर हम मतलब बात करें तो साउथ अफ्रीका में अक्सर पूछा जाता है वो शहर जिस शहर में गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था कुछ अंग्रेजी युवकों ने, तो वो शहर था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर। फिर गांधी जी को कुछ युवाओं ने पीटा भी था, तो वो शहर था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का डरबन। तो ये भी दो विशेष बातें आप एकदम ध्यान रखना। गांधी जी 9 जैन 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौटे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इसीलिए 9 जैन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जैसे हम कहते हैं NRI डे। इस दिन हम ऐसे अपने इंडियन, भारतीय मूल के लोगों को सम्मानित करते हैं जो विदेशों में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 2019 वाला ये डे मनाया गया कहां? वाराणसी में, जहां से मोदी जी की लोकसभा की सीट है।
तो ये एक विशेष जानकारी आप लोग ध्यान रखना। और अपने राजनीतिक गुरु यानी इनके जो थे पॉलिटिकल मेंटल पॉलिटिकल गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने एक साल तक भारत में किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की अहमदाबाद में स्थापना कर दी। 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन आया चंपारण सत्याग्रह हिंदुस्तान में चंपारण बिहार में, और ये नील की खेती से संबंधित था, जिसे हमने कहा था तीन कटिया सिस्टम। ऐसे गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन आए, लेकिन फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट गांधी जी का पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था तो वो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। अंग्रेज लोग जो रॉलेट अधिनियम या जो कानून लेकर आए थे उसी के विरुद्ध में इन्होंने एक सत्याग्रह शुरू करा, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जो कब आया था ये 1919 में आया था। और आपको याद होगा कि इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और आगे की कहानी फिर पॉलिटिकली है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर जोर दिया, ही प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसीलिए गांधी जी ने 1920 में खिलाफत मूवमेंट खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया, और ताकि भाई हिंदू मुसलमान एकता बढ़े, और इसी को ध्यान में रखते हुए खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया गया। और 1 अगस्त 1920 को फर्स्ट अगस्त 1920 को गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का नाम चेंज करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन रख दिया। और ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया, और गांधी जी को जेल हो गई। तो चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी उत्तर प्रदेश, अगर आपको पता हो कुछ भारतीय आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में चौरी चौरा नामक स्थान पर कर दिया था बंद, और उन्हें जिंदा जला दिया। इसके बाद गांधी जी जेल में गए, गांधी जी ने स्वदेशी पर ज्यादा मतलब जोर दिया, और गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया चरखा। जेल से बाहर निकले गांधी जी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का और बड़े स्तर पर समर्थन मिला, और गांधी जी 1930 में नमक के कानून को तोड़ने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आए, और इसी को बोला जाता है सॉल्ट सत्याग्रह नमक सत्याग्रह। और इसी के साथ ही गांधी जी ने 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया अलोंग विद सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी के साथ मिलकर। गांधी जी 1932 में गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में कर दिया बंद, और गांधी जी किस जेल में रहे, यरवदा की जेल में रहे पुणे, जो आज के समय पुणे में है महाराष्ट्र। और इसी जेल में गांधी और अंबेडकर साहब के मध्य पूना पैक्ट पूना समझौता भी हुआ 1932-1932 में। फिर इसके बाद गांधी जी लेकर आए बहुत समय के बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, और गांधी जी को आपको पता है कि आंदोलन लाने के बाद ही सॉरी इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई करो या मरो का नारा दिया, और गांधी जी को आगा खान पैलेस आगा खान के महल में जो ये भी पुणे में है बंद कर दिया गया। और पूछा जाता है कि भाई गांधी जी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किसने लीड किया, किसने उसका नेतृत्व किया, तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। तो ऐसे गांधी जी के एफर्ट से बाहर से गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस का भी सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे अंग्रेजों के ऊपर बना दबाव और हम लोग अंततः आजाद हुए। गांधी जी की समाधि को रेस्टिंग प्लेस को कहा जाता है राजघाट, जो कि दिल्ली में है। गांधी जी की आइडियोलॉजी से गांधी जी की विचारधारा से एक बहुत ही महान इंसान भी इन्फ्लुएंस हुए, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। दिल्ली में करोल बाग में इन्हीं के नाम पर मार्केट है गफ्फार मार्केट। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी
या इन्हें पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है। ये ऐसे पहले फॉरनर, पहले विदेशी हुए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में रेड शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की, लाल शर्ट आंदोलन, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट लेकर आए, जिसे बोला गया था क्या, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। गांधी जी के रास्ते को अपनाया साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने, और इसीलिए गांधी जी के सम्मान में यूएनओ ने इन द ईयर 2007 में घोषित किया, 2 अक्टूबर को 2007 में, 2 अक्टूबर को घोषित किया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये गांधी जी से संबंधित आप लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी जानकारी थी। बाकी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो सभी बच्चों को आगे के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट गाइज़।